हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिटरमिनेंट के बारे में देखेंगे, हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ एनी 2x2 मैट्रिक्स, दैट इज हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। हम 2x2 मैट्रिक्स इस प्रकार से लिखते हैं, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट A11, A12, A13, A14, करेक्ट, ये हमारा मैट्रिक्स की एलिमेंट लिख के हो गए। तो अगर हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22। अगर आपको मैट्रिक्स के बारे में जानना है तो आप मेरा पहला वाला वीडियो देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये कर दिया, इसको हमें सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इन दो एलिमेंट का A11 इंटू A22 माइनस इन दो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या आएगा, A12 इंटू A21, करेक्ट। तो ये है डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, करेक्ट। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं 2x2 मैट्रिक्स का। तो आपको समझ में आया, डिटरमिनेंट मतलब इट्स अ वैल्यू, इट्स अ स्केलर वैल्यू फॉर एनी मैट्रिक्स। तो मैं ये हमारे पास मैट्रिक्स है 3, 2, 5, 4, हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है। अगर डिटरमिनेंट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ, इसको मॉड्यूलस बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए, आप डिटरमिनेंट ऑफ ए बोल दीजिए, इज इक्वल टू डिटरमिनेंट लिखेंगे 3, 2, 5, 4, जैसे रोज है वैसे रोज लिखने, जैसे कॉलम है वैसे कॉलम्स लिखने, करेक्ट। उसके बाद पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 × 4 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 × 5 विच इज इक्वल टू 3 × 4 = 12 माइनस 5 × 2 = 10 इज इक्वल टू 12 − 10 = 2। सो 2 इज द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2। इस प्रकार से हम लोग आंसर इसका लिखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 3x3 का मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करते, एक एग्जांपल देखेंगे, उसमें हम लोग 3x3 का मैट्रिक्स का सॉल्यूशन देखेंगे। तो 3x3 का मैट्रिक्स का सॉल्यूशन बहुत ही इजी है, तो उसके लिए मैं पहले 3x3 का एक मैट्रिक्स लिख देता हूं। यहाँ पे ये मैट्रिक्स मेरा 3x3 का लिख देता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मैट्रिक्स रहेगा तो स्क्वायर ब्रैकेट। इसको हमें मॉड्यूलस निकालना है, मतलब डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, करेक्ट, ऐसे लिखना है। इसके बाद क्या करना है, ए 3x3 का मैट्रिक्स है तो इसको पहले 1 ये एलिमेंट लिखना है। अगर ये एलिमेंट लिखेंगे तो एलिमेंट जिस कॉलम, जिस रो में आता है एंड जिस कॉलम में आता है, उन दोनों को इलिमिनेट करेंगे और जो बचेगा उसका 2x2 का मैट्रिक्स बनाएंगे। कौन सा बचा, 5, 6, 8, 9। फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस साइन डालेंगे, फिर ये 2 लिखेंगे सेकंड एलिमेंट, पहले रो का दूसरा एलिमेंट लिखेंगे,
फिर उसके बाद ये रो तो कैंसिल हो गई, ये एलिमेंट जिस रो में आता है वो रो हम कैंसिल करेंगे और जिस कॉलम में आता है वो क्या कैंसिल करेंगे, और जो बचेगा कौन सा, ये और ये, 4, 6, 7, 9, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, फिर यहां पे आएगा प्लस, करेक्ट। उसके बाद ये तीसरा एलिमेंट लिखेंगे 3, और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बनाएंगे, ये कॉलम ये रो कैंसिल करेंगे, तो बचा क्या, 4, 5, 7, 8, 4, 5, 7, 8, करेक्ट। और इसको सॉल्व करेंगे 2 by 2 का मैट्रिक्स आता है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर क्या आएगा, इक्वल टू 1 into, पहले 5 into 9 माइनस 8 into 6, 8 into 6, करेक्ट, माइनस 2 into bracket, 4, 9, 4 into 9 माइनस 6 into 7, 6 into 7, प्लस ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस, पहला टर्म प्लस, दूसरा टर्म माइनस, तीसरा टर्म फिर प्लस, तो 3, फोर इंटू एट माइनस 5 into 7, 5 into 7, इसको सॉल्व कर, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, इज इक्वल टू 1 into 5, 9 जा 45 माइनस 8, 6 जा 48 माइनस 2 into 4, 9 जा 36 माइनस 6, 7 जा 63 प्लस 3 into 4, 8 जा 32 माइनस 5, 7 जा 35 इसको सॉल्व, इसको सॉल्व करने के बाद आपकी डिटरमिनेंट मिल जाएगा, डिटरमिनेंट मतलब इट्स अ वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, इट्स अ वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, तो इज इक्वल टू 1 into 45 minus 48 माइनस 3 माइनस 2 into bracket 36 minus 63, हाउ मच, 6 में से 3 गए, नहीं हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस साइन, बड़े वाले का साइन ले लेंगे और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 27 प्लस 3 into bracket 32 minus 35 माइनस 3, तो हाउ मच इट इज 3 माइनस 3 माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन प्लस 27 2 जा 54 प्लस माइनस माइनस 9 एंड हाउ मच इट इज 354, क्या हो गया 51 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना हो गया 51 माइनस 9, तो हमारा मैट डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 42। इस प्रकार से 3 by 3 का मैट्रिक्स आपको सॉल्व करना है, 2 by 2 का मैट्रिक्स एक एग्जांपल हमने ले लिया, 3 by 3 का मैट्रिक्स एक एग्जांपल हमने ले लिया। अब आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप इन्हें शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मुझे ट्यूशन के लिए कॉल करना चाहते हैं तो आप ट्यूशन के लिए कॉल कर लीजिए, मेरे डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। अगर आपके एरिया में 10 से 15 बच्चे हो गए तो वहाँ पे आके मैं ग्रुप ट्यूशन भी ले सकता हूँ, और बाकी के कंसेप्ट्स के लिए आप मुझे फॉलो करते रहिए।